पर उस तो पहला तुहानू दस दिए कि इस विचाले उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ने तुहानू सीधा चंडीगढ़ लै जाणा फोर्स द देन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह इनटू साइनिंग एन एग्रीमेंट टू गिव अवे 50 वाटर टू हरियाणा फोर्सिंग हिम टू विड्रॉ द सुप्रीम कोर्ट केस फाइल्ड बाय द प्रीवियस चीफ मिनिस्टर साहब प्रकाश सिंह बादल टू प्रोटेक्ट पंजाब रिवर वाटर इंटरेस्ट मिसेस गांधी डिड हैड एनेक्टेड दिस ड्रामा एज देयर वर इलेक्शंस टू फॉलो इन हरियाणा दैट ईयर द कैबिनेट ऑल्सो हेल्ड द प्रेजेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस चीफ कैप्टन अमरिंदर सिंह रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवाइटिंग मिसेज इंदिरा गांधी टू स्टार्ट द डिगिंग ऑफ द कनाल एट कपूरी इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी पटियाला इट वॉज ही हू ऑफर्ड हर सिल्वर स्पेड टू स्टार्ट द डिगिंग इट वॉज अगेंस्ट दिस डिगिंग दैट श्रोमणी अकाली दल हैड लॉन्च्ड अ लॉन्ग पीसफुल डेमोक्रेटिक मोर्चा फॉर पंजाब इंटरेस्ट इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोर्चा दैट नो रिवर वॉटर्स वेंट आउट ऑफ पंजाब आफ्टर दैट अ कैबिनेट डिसीशन सेड दैट पंजाब डज नॉट हैव अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वॉटर टू स्पेयर वॉटर इज अ लाइफ लाइन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पंजाब स्पेशली फार्मर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड नोबडी कैन टेक अवे अ सिटीजन लाइफ लाइन द कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू कॉल एन एमरजेंसी सेशन ऑफ द पंजाब विधानसभा ऑन 16 नवंबर टू डिस्कस द एमरजेंट इश्यू द कैबिनेट विल कॉल ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्टिंग हिम नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ पंजाबीज विल बी हेल्ड इन मोगा ऑन December 8 with a complete resolution passed by them that time of Pani Bachao, Punjab Bachao. So mega Punjabi Sammelan or a huge gathering of Punjabis from every corner of Punjab will gather in Moga on 8 December on the issue, on this very issue and convey to the people of this country the feelings of the Punjabis. Now the CM will take over. ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਰਹਿ ਗਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ पानी तो बिना मेरे ख्याल जो पंजाब का पानी ना हो तो देश भी भुखा मर जाए और सारी इंडस्ट्री किसानी पंजाब की इकोनमी सब पानी से मुनसर इस करके वट एवर वे द रीजन असी किसी हाल पंजाब का पानी बाहर नहीं जान अगे भी असी नहीं जान दिता फैसला हो गया जी सब चीज हो गया लेकिन उदो भी असि नहीं जानते ना अगे जान दिता ना हम जान और सारा असल समझने की गल है कि मुद्दा होया कि पानी का फैसला किने किया लैंड का पंजाब चो इंदिरा गांधी ने फिर डिगिंग वास्ते भी इंदिरा गांधी आई वास्ते ते उस वेले अमरिंदर सिंह जेड़ा हुण जाली गल्लां करदा है वो उस वेले उत्थे मौजूद सी और उथे ने लड्डू वंडे असि उस दिन ही मोर्चा लाया जिम्मे अज फैसला असि वी आर टेकिंग द डिसीजन द कैबिनेट उस तरह मोर्चा लाया मोर्चा लगता रहा नहीं जान दिता पानी जे पानी पंजाब दे नूं कोई बचा सकता है तो श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी बचा सकता इन्होंने अगे पंजाब वास्ते अमरिंदर सिंह ने जां कांग्रेस ने कदे कोई कदम नहीं चुकया समा पंजाब दी जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है कोई भी साढ़े ते जुल्म हो जबर हो जिन्हां नूं अज मैं नहीं लैना चाहुंदा दे आर पार्टी टू दैट पंजाब सरकार क्या क्या लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेने जा रही है इन द लाइट ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पंजाब कह रहा है कि हम पानी के एक भी दिन नहीं जाने देंगे देखो जो तो लीगल स्टेप है क्या लाइन ऑफ एक्शन जो लीगल स्टेप है को हो सकते हैं वो हमने एडवोकेट जनरल साहब को कहा है ही विल एडवाइस अस व्हाट कैन बी लीगली डन
जो दूसरा पार्टियों का काम है, हम दोनों इकट्ठे पार्टियां या गवर्नमेंट, हमारा काम है कि पानी जाने नहीं देना, उसके लिए जो भी करना पड़े करें। और मैं पंजाब के लोगों को श्योर करता हूं कि अगर पानी बचाना है तो श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता बचा सकती है। कांग्रेस के जो इस्तीफे हैं ये ड्रामा है। 2 महीने में इलेक्शन है, एमएलए की तो अभी कोई बात नहीं है, तो 2 महीने के लिए ज्यादा ही कहेंगे हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ते। कांग्रेस इस्तीफा कांग्रेस तो जेड़ा एडा वड्डा बेइंसाफ कीते अमरिंदर सिंह कहना चाहिए है कि चाहना मैं कांग्रेस तो इस्तीफा। पूरे इशू को चुनाव में फायदा लेने के लिए? नहीं, हम चुनाव के लिए फायदा नहीं लेने लेते। पहले भी हम जब कभी लड़ाई लड़ी है पंजाब के हकों के लिए लड़ाई लड़ी, पंजाब के लिए लड़ी है और देश के लड़ी है। इमरजेंसी में भी हम लड़े, बाद में भी हम पंजाब के जितने मसले उसके लड़ाई लड़े, और तो किसी ने लड़ी नहीं लड़ाई। कांग्रेस ने बताया कब लड़ाई लड़ी है। अमरिंदर पार्टी देखो वो अलग अलग स्टेट का अपना इंटरेस्ट है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा सवाल है, ये हमारी लाइफ लाइन है, पानी के बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। अब पानी की कितनी शॉर्टेज है असेस कर ले, पानी तो अब भी नहीं है, हमारे कुएं सूख रहे हैं, दरियाओं के नहर का पानी बहुत कम है। डू द गवर्नमेंट डू कंट्री जो मुल्क है उनको भी हम कहेंगे कि ये पानी पंजाब को पंजाब के बचाने के लिए पंजाब से पानी नहीं लेना चाहिए। सर, देश को बचाने के लिए मैं कहूंगा पंजाब को भी। घंटा बैठे रहो, मैनू की दराज है। अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि जो लॉस्ट ट्रकडाउन हुआ है उन्होंने बनाया था, वो ला सकते हैं पानी का, जो पानी बचा सकते हैं पंजाब का, सिर्फ वही बचा सकते हैं, उनको 2/3 मेजोरिटी से जीतना चाहिए। अब जो एक्ट था वो 2/3 की नहीं, बिकॉज 100% मेजोरिटी ने फैसला किया था, उनको ये भी नहीं मालूम 100% मेजोरिटी ने किया। नहीं, अगर पानी को रोक सकते हैं तो आगे कभी उन्होंने कुछ किया जी? तो आप ये फांसी देने वाले भी वही थे ना, जो पंजाब का नुकसान किया कांग्रेस ने किया, और तो किसी ने किया ही। 2/3 की जरूरत नहीं, 2/3 की नहीं, 100%। ये वो सिर्फ ये कर रहे हैं दे वांट टू प्ले टू गैलरी कि किसी तरह से हम ये इलेक्शन में वो, अगर वो इतने सिंसियर हैं तो कहेंगे हम अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ते। वो तो राजनीति का टोटली रॉन्ग। मैं असेंबली देखो तुझे बार बार कहने का कोई फायदा नहीं, रिकॉर्ड है कि एदी SYL दी जी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो ज्ञानी जैर सिंह ने दी, रिकॉर्ड चाहे देखो मैं कल तुम दे देना तुम सारा कुछ है उन्होंने दिती ना। मैं उदो असीं एक बहाना बनाउंदे आ जिन्हें सेंक्शन की जिन्हें कनाल पट्टी फिर असी रोकी, ए तां हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। ईवन यू हैव सीन दिस इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में देखी है आपने, तो कोई नया नहीं कि बहुत लंबी हिस्ट्री है जिसमें आपको पता नहीं। बहन जी अगर कोई एडवोकेट जनरल सॉलिड बात करेंगे कि इस तरह हो सकता है, वो भी फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, अगर नहीं है तो हमारे पास तो एक ही है कि इरिस्पेक्टिव जो CM सिंह इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग पंजाब कैबिनेट हैज टेकन अ डिसीजन, no water will be taken out of Punjab, we will not allow water or construction anything by anybody or any agency. इसका मतलब है अगर अगर पंजाब में दोबारा ये गवर्नमेंट बनेगी तो ये तो कहते हैं ना ये इनकी चाल, देखो ये है अगर उनकी बात माने हम भी इस्तीफा दे दें तो गवर्नर रूल होगा ना, तो गवर्नर रूल हुआ था नहर खुदाने में आसानी हो जाएगी। पीपल कोई पंजाब बीजेपी के आपके साथ है इस फैसले में बैठे हैं, कभी मैंने इनसे पहले आपसे सारे थे इससे पहले मदन मोहन जी बताए आपका ये जो फैसला हुआ है ये कन्नड का फैसला जो मदन साहब ने बताया है उसमें हम भी पार्टी हैं, हमारे कैबिनेट के सारे मंत्री, और जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, हमारी केंद्र की पार्टी का ये नियम है कि अगर दो स्टेट्स के आपस में इंटरेस्ट किसी के ऊपर क्लैश करते हैं वो दोनों अपना अपना स्टेट स्टैंड ले सकती हैं, इसमें कोई
इंटर पार्टी डिस्प्यूट नहीं है, कोई केंद्र की तरफ से पाबंदी नहीं है। एडवोकेट जनरल से आप राय लेंगे, एडवोकेट जनरल से पहले भी आप सड़कों पे उतरे थे, तो क्या आप श्रोमणी अकाली दल पार्टी सड़कों पे उतरेगी, कल से प्रोटेस्ट हो सकते हैं? वर्कर कल से कोई प्रोटेस्ट नहीं होंगे। पानी ने पहले तो आपको तीन स्टेप्स बताए हैं। एक स्टेप तो हम प्रेसिडेंट साहब को कहे ये एडवाइस है, कोई फैसला ये नहीं है, प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, उनको हम कैबिनेट मिलेगी और कैबिनेट मिल के कहेगी कि ये आप इनको मंजूरी ना दें, ये जो एडवाइस दी है एक्सेप्ट ना करें। हाँ जी, तो दूसरा है कि हम स्पेशल सेशन बना रहे हैं। तीसरा है कि पंजाबियों का इकट्ठ कर रहे हैं, महाकट जो जिसमें ये होगा कि ये पंजाब कभी पानी नहीं देगा, ये पहले भी नहीं दिया हमने। सर ये सर डर पता है, डर है लॉ एंड ऑर्डर दिसंबर खराब हो जाए, डर इस बात का है, डर इस बात का है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने का नहीं। लॉ एंड ऑर्डर हमारा कितनी एजिटेशन हुई है, हमने कभी हमारी एजिटेशन पीसफुल होती है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब। आई श्योर कोई आप तो इसलिए जानते हैं कि जितनी अकाली दल एजिटेशन हुई है वो सेशन में बताएंगे। हाँ जी सर, नया बिल लेकर आएंगे सेशन में, नया बिल लेकर जो भी एडवाइस देगा। हाँ जी, आप सर नया बिल लेकर आएंगे सेशन में। देखिए जो कुछ हम कर सकते हैं, वी आर रिक्वायर्ड एडवोकेट जनरल टू लुक लीगली, वो कानूनी देखेंगे क्या कर सकते हैं। बादल साहब पानिया के मसले से अगर आप पहला देखिए तो अज के अंदर तो पानिया के मसले से एक स्ट्रगल शुरू हुई, उदू बाद पंजाब के अंदर तुम देखा किस तरह का एक माहौल पंजाब दो दहाके रहा, तुम्हें लगता है कि जो माहौल बन रहा है हम पानिया के मसले से कोई इस तरह की शेप नहीं लिया नहीं। देखो असी आपके आपके हक वास्ते डेमोक्रेटिक पीसफुल लड़ाई लड़ा, असी कदे वायलेंस से ना कदे अकाली दल बीजेपी ने इससे असी स्टैंड है ना असी लैना, साड़ी पॉलिसी नहीं, असी शुरू तो भी पहला भी साढ़े हिस्ट्री है पुरानी साड़ी इस एज तो पहला कि अंग्रेजा नाल भी लड़ाई हुई होर भी असी तस्वीर सहे लेकिन वायलेंस। ये तो ये कांग्रेस की एक चाल है, आप समझे ना, आप बड़े इंटेलिजेंट सारे हैं, सपोजिंग हम दे देते हैं मॉरल, डू दे हैव अ मॉरल, दे डोंट हैव मॉरल टू टेक अ मॉरल ग्राउंड। मेरी आप बात समझे, अगर हम आपको कन्विंस नहीं करते पब्लिक, उनका मतलब अगर उनकी माने तो हम इस्तीफा दे दें, पकौड़े हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून आज रूल होगा वो जो मतलब। आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन टू कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज रिजाइन फ्रॉम पार्लियामेंट, ही सेड Why hasn't Bittu and other people resigned on that same issue? क्योंकि उसको पता है कि मैं because why he did not resign? Because he is fighting assembly elections and 1 month is left for all the assembly elections. This is a drama. If he is so sincere, he is on sincere. He has two options. One, he should make Bittu and other MPs also resign. If he is so sincere, they want to fight it out. Second, Congress will shutdown. जिस पार्टी ने सारा काम किया है सारा पानी खोया उस गांधी परिवार को छड़न ओदी चमचागिरी तो छड़ देनी तो इस करके ओना ड्रामा नहीं चलना। हमें कौन सा मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है कितने 5 साल के बाद या 7 साल पे आया, ये हमने तो नहीं डिसाइड किया। आफ्टर दिस जैसे इश्यू आती है कोई स्टेट को कोई हमारे साथ अत्याचार हो एट द राइट टाइम वी हैव टू टेक अ डिसीजन। जी तो लगता है इलेक्शन के अंदर एसवाईएल मुद्दा होगा, चोन मुद्दा होगा, अकाली दल ने चोन मुद्दा बनाऊंगा, असि इस क्लियरली किया चोन मुद्दे वास्ते नहीं असी कर रहे कुछ, मैं तुम्हें इन्ना कर दिने अकाली दल ने कोई चोना करके लड़ाई नहीं लड़ी, जे 16 साल मुख्यमंत्री जेल कट सकते हैं मतलब की है संघर्ष किया हकों लई, कांग्रेस के लोगों ने एक मिनट भी धुप्पे नहीं बैठे, असी कुर्बानी वाली पार्टी है, पंजाब की कोई भी बेइंसाफी होए अकाली दल डट के लड़ाई लड़ता तो लड़ता रहूगा, तो अज अकाली दल का अकाली दल बीजेपी सरकार का बादल साहब की अगुवाई क्लियर स्टैंड कैबिनेट का डिसीजन है, कोई पानी नहीं जान दोगे ना कंस्ट्रक्शन कर देवे। कोई मुद्दा बनाई जाओ बखरी तुम बना, रोज क्वेश्चन पूछ के आई बना इट इज गॉट डिसीजन इज बाय द कोर्ट्स।
देखो जो आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द कंसर्न मोदी गवर्नमेंट देखिये भैया हमारी लड़ाई जो है हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है वी आर हरियाणा ब्रदर्स और अदर आर साडे भाई हैं लेकिन हम पंजाब को फर्स्ट आवर ड्यूटी इज टू सेव द पंजाब फार्मर सेव द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ये हमारी पहली ड्यूटी है और हमारा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है थैंक यू अच्छा थैंक यू वेरी मच That land is already with the farmers. I think majority of it is already with the farmers. And so till the state people are already taken possession. भैया नक्शल में हम एक क्वेश्चन में आपको आंसर में आ करते हैं नहीं जान देते पानी पंजाब का पानी नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा थैंक यू ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ SYL ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ